Hello guys, welcome to Lockdown Tech Study YouTube channel. So today is the topic of binary fractional to decimal. So अपन fractional number को देखते हैं कि किस तरह convert कर दिया decimal से बीच. So देखो ये अपना binary point means कि fractional number जिधर किया नो अपन कह दिया binary point means भी नो कह देंगे अपन कि ये अपना point है जिन्हों अपन solve करना है decimal दे बीच. So सब तो पहला आज का question नहीं हुआ तो अपन उसी तरह solve करना जिस तरह अपन binary to decimal कर देंगे. So इसमें जिधर आया इसमें भी अपन जिधर उसी तरह solve करना बस ये भी जिधर point है उसमें अपन ध्यान रख के ही जिधर आगे use करना. So देखते हैं कि किस तरह use करना. So सब तो पहला जिधर आया zero अपन इसमें इस portion with the sides solve करने. So zero multiply by two मतलब कि binary था. So raised to power zero तो start होने. So next अपने को one आ गया one multiply by two raised to power one आ गया. So इसी तरह अपने को ये point बढ़ा गया इतने अपना point जिधर आया इसी तरह STs लग गया. So इसको बाद अपने को one multiply by two वही आवेगा. So इतने अपने को power जिधर आवेगी minus one आवेगी ना कि minus zero. देखो अपन जो x y points कर दिए उधर बच के होता है इतने अपने को zero होता है one उस तो बाद two three four इस तरह चल रहा है उस तरह बाद इतनी जिधर साइड होने minus one minus two minus three इस तरह जिधर increase होती है. So इसी तरह अपन जिधर आएगी according चलना है. So next अपने को इतना गया one multiply by two two raised to power minus one plus अपने को आ गया zero multiply by two raised to power minus two plus अगे अपने को one multiply by two raised to power minus three plus आगे अपने को one multiply by two raised to power minus four. So इस तरह अपने को जिधर आएगा इस तरह solve कर लिया. So next अपने को क्या करेंगे zero नो जो तो अपन multiply कर दिया किसे भी statement देना then वो की answer हो जाएगा zero. So इस तरह के आंसर हो गया zero. So next है ना अपने को one multiply by two raised to power one. Two raised to power one मतलब कि two अपने को only. So ये किया जाएगा one multiply by two. So two इतने as it is आ जाएगा. So इतने point इन्हों solve कर लेने हैं. देखो one एक ही अपना point है. So one multiply by two raised to power minus one. और इसमें अपन किस तरह solve करना है. So जो अपने को minus one है means अपने को one divided by two. कौन-कौन ये अपना two हुआ उधर minus one ना. So इन्हों अपन इधर divide करके कर देना. So ये जड़ी one time ही open होना है two. So इस करके two इतने आ गया. So next है क्या अपने को zero नो जो तो अपन किसी भी statement में कर दिया था तो वो वाला answer zero ही होता है. So मैं थे zero ही लिख देनी है. So next है क्या अपने को one multiply by two raised to power three. और one multiply by मतलब कि one divided by two raised to power three है. और मतलब कि two नो अपन किन्हीं वाली ओपन करना one two and three. Three time अपन ओपन कराएंगे. So next है क्या one multiply by two raised to power minus four. इसी तरह अपन one divided by two नो किन्हीं वाली ओपन करना four time two and two. So इस तरह जिधर इन्हों अपा ओपन कर लिया. So next ले दिया. So two plus zero अपने को कितना आंसर हो गया two हो गया. So इतने अपना point इसी तरह लग गया. So one multiply by one divided by two plus zero आ गया अपने को plus one multiply by one नीचे अपने को दो दोनी चार दोनी हो गया आठ. Next अपने को हो गया one multiply by one two multiply by two four multiply by two eight multiply by two and 16. So ये अपना इस तरह सॉल्व हो गया. और इन्हें हम अपन नेक्स्ट किस तरह सॉल्व करना. देखो ये अपना टू इसी तरह लग गया. हम जरा वन ओवर टू आ इसमें अपन किस तरह सॉल्व करना. देखो इस तरह जिस तरह अपन तक सीम कर ही दिया वन नो अपन बीच रखना टू नो अपन बाहर रखना फ्रैक्शनल सॉल्व करनी शायद ऑन्दी हो सारे नो. सो इस तरह अपन उन्हें सॉल्व कर दिया. सो देखो वन जिधर है वो छोटा है टू तो इस करके अपन की नमा गए थे जीरो. सो नाड़ी अपने पॉइंट में लग जाएगा. सो इस करके पंचो दूरी कितना हुई अपने को दस. सो इस तरह ये जिधर सॉल्व हो गया. सो जितनी की आंसर आ जाएगा 0.5. सो नेक्स्ट प्लस अपने को जीरो इसी तरह आ गई वन डिवाइडेड बाय एट इसनो सॉल्व करना अपन. सो इतने की लिखेंगे अपन वन और एट. सो उसी तरह अपन ये थे लगे पहला जीरो पॉइंट और जीरो अठो दूनी कितना हो गया आठ एकदम अठ हो गया अपने को इतने आगे दो और इतने अपन जड़ी है जीरो एक और लगे और इतने की अठ दूनी सोलह आ जाएगा. और आंसर इतने की चार बज के उसके बाद जीरो अठो पंजा चालीस. सो इसमें अपन जरा इस तरह सॉल्व कर लिया. सो इतने अपन लिखेंगे 0.125. नेक्स्ट है अपने को 1/16. सो 1/16 को अपन किस तरह सॉल्व करना है. सो इसी तरह आप वन लगे 16. देखो मैं जो वन से 16 को सॉल्व करना है तो इतने की अपने को आएगा. देखो वन जीरो मतलब कि जीरो इतने ले आप मतलब कि इतनी हजे रकम जी अपनी फिर भी हजे जरा 16 बढ़ा है 10 तो. सो इस तरह जीरो और लगेगी. सो इस तरह हम देखो सोलह सिक्स छियानवे होते हैं. सो इतने अपने को आ गया छियानवे
और माइनस किया 4 आ गया 0 लगी 16 दूना 32 हो गया अपने को और 8 बचे हुण आप इत्थे एक 0 होर लवांगे 16 5 अपने को 80 हुंदे आ सो इस करके आंसर अपने को आ गया 0.0625 सो ये अपना आंसर जिहड़ा आ गया सो हुण इना सारे नूं आपां करना है प्लस सो प्लस करना भी ध्यान नाल करना है क्योंकि इहदे विच तुसीं गड़बड़ कर जाणी आ सो इहदे विच पहला आ जाणा 0.5 उस तो बाद अपने को 0 है देखो 0 तो बाद कोई पॉइंट नहीं है इस करके 0 जेड़ा पॉइंट तो बाद ही लगेगा सो 0.025 जिथे अपना पॉइंट है पॉइंट नु उथे ही रहन देना है नेक्स्ट 125 सो इसी तरह अपने को 0 पॉइंट जिथे है उथे ही रहना चाहिए है 0625 सो इस तरह इन जेड़ा आपा प्लस कर लेंगे सो 5 आ गया 57 आ गया 68 आ गया 516 आ गया पॉइंट पॉइंट लग गया एज इज और 0 आ गया आंसर कितना आ गया अपने को 0.6875 जेड़ा इथे अपने को आंसर आ गया हम जेड़ा अपने को ए सीगा ए 2 अपना किथे आ जावेगा इथे मतलब आंसर आ गया 2.6875 और ए अपना डेसिमल नंबर जेड़ा कि आपा फाइंड आउट कर लिया सो इस तरह हुंदा है जेड़ा अपना बाइनरी फ्रैक्शन टू डेसिमल सो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो दे विच थैंक यू सो मच सो चैनल नु सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना बेल बटन दे आइकन ते जरूर क्लिक करना थैंक यू सो मच